वाओ अमेजिंग है। नमस्कार, मसाला भाई माला किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें और आप सब्सक्राइब करना भूल जाएं, जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करनी है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू। ये हमने सैलेड का सामान ले लिया। सबसे पहले इसमें से मैं हरा प्याज लूंगी, हरा प्याज को छोटा छोटा बारीक काट लूंगी। ये नॉर्मल प्याज है, नॉर्मल प्याज को भी छोटा बारीक काट लूंगी, पतला काट लेंगे। अगर हरा प्याज ना हो तो स्किप कर सकते हैं, बस ये है कि हरा प्याज से थोड़ा फ्लेवर बढ़ जाता है। ये खीरा है, खीरे को भी हम छोटा छोटा और चकोर उसमें बारीक काट लेंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों बिस्किट सैलेड, जो बनता है झटपट और होता है चटपटा। ये है टमाटर, टमाटर से हम सारे बीज आउट कर देंगे और इसमें कट लगा लेंगे इस तरह से, इसको भी छोटा काट लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, बच्चों को ये रेसिपी और ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। ये है सैलेड सारा कट गया, हमने एक बाउल में ले लिया, उसमें डालेंगे कुछ सामान। आधा ले लिया नींबू, नींबू से इसका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नींबू निचोड़ लिया मैंने, नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये डाल दिया मैंने चाट मसाला। सारे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए सारा चीज़ हमने मिक्स कर ली। लास्ट में डाल लेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा, एक बड़ा चम्मच हरा धनिया। हरा धनिया से फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है, हरा धनिया तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सारे सैलेड में इसको मिक्स कर लिया हमने, हमारा सैलेड हो गया बिल्कुल रेडी। अब ले लेंगे हम नमकीन बिस्किट। आपको जो भी नमकीन बिस्किट अच्छे लगते हों, गोल चकोर, उस पर आप ये बना सकते हैं। यह है म्यूनिस, एक बड़ा चम्मच। सॉस, एक बड़ा चम्मच। और ये है सेब, बारीक सेब बाजार में मिलती है, बहुत टेस्टी होती है, आपने देखा होगा चाट बनाते हैं मार्केट में उसमें भी इस्तेमाल होती है। किसी ब्रश की सहायता से इसमें सब बिस्किट में हम म्यूनिस सप्लाई कर लेंगे, ना हो तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। जो बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती है उसके लिए बहुत बेस्ट स्नैक्स है, बाहर की चिप्स से तो लॉट्स ऑफ बेटर है। तो आप इसको बनाइए, बच्चे को खिलाइए, बच्चे भी खुश आप भी खुश। और इसको आप टी टाइम में भी बना सकते हैं, जब आपका मन हो बनाकर खा सकते हैं। ये सॉस भी मैंने सब बिस्किट्स में अप्लाई कर लिया, पहले प्रॉपर सारा म्यूनिस और अब सॉस। चलिए हमारे बिस्किट रेडी हो गए, एक कोटिंग मैंने लगाई म्यूनिस की और एक कोट किया मैंने सॉस से। अब मेरा जो सैलेड तैयार है, एक एक चम्मच सब बिस्किट्स पे रख लेंगे। दोस्तों सैलेड काट के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब भी ऐसे बच्चों को कुछ भूख लगे या आपको कुछ खाने का मन करे इस तरह से बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और आगे मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैंने सब पर थोड़ा थोड़ा जो बारीक सेब होता है वो भी अप्लाई कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हम क्या खाएं और क्या बनाएं छोटी छोटी भूख के लिए सोचते हैं, इसी तरह की स्नैक्स की आपको तलाश है तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाकर देखिए।